हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स सो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं अगर उनको कोई पावर दिया गया या ड्यूटीज दी गई वो अपने पावर एंड ड्यूटीज को मिसयूज़ करें या किसी तरह से उसका प्रॉपर यूज ना करें जो डायरेक्टर्स को पावर एंड ड्यूटीज दी गई है अगर उसको प्रॉपरली परफॉर्म ना करें तो उन पर क्या लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है वो लाइब्रिटीज के बारे में आज देखेंगे सो आज हमारा जो टॉपिक है आज का वो है लाइब्रिटी ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स की लाइब्रिटी क्या क्या है तो जो डायरेक्टर्स की लाइब्रेटी है उसको हमने तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया है कि डायरेक्टर्स की लाइब्रेटी क्या होगी कैसे होगी तो कुछ लाइब्रेटी डायरेक्टर्स की ऐसी है जो कंपनी से रिलेटेड है कुछ लाइब्रेटी डायरेक्टर्स की थर्ड पार्टी से रिलेटेड है और कुछ लाइब्रेटी जो है वो क्रिमिनल लाइब्रेटी मानी जाती है तो तीन पार्ट में हम लाइब्रेटी में देखेंगे कि कंपनी की डायरेक्टर्स की क्या क्या लाइब्रिटीज होगी तो लाइब्रेटी ऑफ डायरेक्टर में फर्स्ट जो टाइप है वो है लाइब्रेटी अगेंस्ट द कंपनी कि अगर डायरेक्टर जो है वो किसी कंपनी में काम कर रहा है एज अ ट्रस्टी क्योंकि डायरेक्टर जो है कंपनी के पूरे डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करता है यानी पूरे जो कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी है वो डायरेक्टर्स के ऊपर है अगर डायरेक्टर जो है वो किसी तरह से अगर गुड फेथ में कंपनी के ना काम करें तो क्या उसकी लाइबिलिटी कंपनी से रिलेटेड होगी उनके बारे में बात करेंगे सो फर्स्ट लाइबिलिटी बनती है डायरेक्टर विल हैव टू मेक गुड फॉर एनी लॉस ऑन ऑफ अकाउंट सो बेसिकली यहां पर क्या होगा कि कंपनी में जो भी लॉस होगा वो लॉस होने की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होगी डायरेक्टर्स की क्योंकि डायरेक्टर जो है वो कंपनी के गुड फेथ में काम करेगा बट तो अगर वो गुड फेथ में काम ना करे या किसी वजह से अगर कंपनी को लॉस हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डायरेक्टर्स की होगी नेक्स्ट है एन अल्ट्रा वायरस एक्ट वेर द डायरेक्टर्स हैव इंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड देयर पावर्स तो डायरेक्टर्स को कुछ पावर्स दिए गए हैं तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से अगर हम बात करें कि कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो पावर दिए गए वो उन्हीं पावर के हिसाब से काम करें बट कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि वो अल्ट्रा वायर एक्ट करता है यानी बियॉन्ड द पावर एक्ट करेगा तो अगर वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बियॉन्ड द पावर है यानी पावर के भी आगे है अगर वो बियॉन्ड द पावर एक्ट करेगा तो डायरेक्टर्स के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट होगी टूवर्ड्स तो बहुत सारी लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाती है कि डायरेक्टर्स को वो कंपनी की लाइबिलिटी को फुलफिल करना पड़ेगा नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वेर द डायरेक्टर मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट सो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में हम बात करेंगे कि कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया अब डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रॉपरली कंपनी को मैनेज करे कंपनी डायरेक्टर पर ट्रस्ट करती है कि वो कंपनी के जो अफेयर्स हैं उसको प्रॉपरली परफॉर्म करेगा बट कभी कभी डायरेक्टर्स बहुत सारे एक्ट ऐसे करता है जिसकी वजह से ट्रस्ट ब्रीच हो जाता है सो so, हम बात करेंगे कि कंपनी का अगर डायरेक्टर है कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करता है किसी थर्ड पार्टी के साथ में जिससे उसका सीक्रेट प्रॉफिट जुड़ा होता है तो अगर कैसा कोई काम करे डायरेक्टर जिसमें उसका सीक्रेट प्रॉफिट अगर जुड़ा हुआ तो उस केस में उसकी लाइबिलिटी क्रिएट होती है टूवर्ड्स द कंपनी फॉर डिसह एक्ट टू मेक द पर्सनल प्रॉफिट सो कभी कभी वो डिसऑनेस एक्ट करे जिसकी वजह से उसको पर्सनल प्रॉफिट हो तो बहुत सारे एक्ट ऐसे होते हैं कंपनी के अंदर जिसमें वो डिसहनेस्ट एक्ट करे तो कंपनी का जो डायरेक्टर है उस पर कंपनी ट्रस्ट करती है जब कंपनी अपने डायरेक्टर पर ट्रस्ट करे तो वो डिसहोनेस्टी एक्ट नहीं करना चाहिए अगर वो किसी तरह का डिसहोनेस्टी एक्ट करे अगर अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए तो उस केस में उसकी लाइबिलिटी की रेट होगी टू हट्स द कंपनी नेक्स्ट पॉइंट है फॉर द एक्टिविटी ऑफ को डायरेक्टर्स सो so, यहां पर क्या होगा कि जो को डायरेक्टर्स हैं यानी कंपनी के और डायरेक्टर्स हैं उसके साथ वो क्या करे? करें प्रॉपरली एक्टिविटी परफॉर्म करें सो बहुत सारी कंडीशन में ऐसा होता है कि डायरेक्टर जो है पूरी तरह से कोऑर्डिनेट नहीं करता यानी को डायरेक्टर के साथ काम नहीं करता तो उस केस में अगर किसी तरह की कोई लॉस कंपनी को तो उस केस में भी कंपनी के ऊपर उसकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी नेक्स्ट टाइप में हम बात करेंगे कि और क्या लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी टूवर्ड्स द थर्ड पार्टीज थर्ड तो पार्टी के लिए डायरेक्टर्स की क्या क्या लाइबिलिटी बनेगी यानी अगर डायरेक्टर किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे वो बियॉन्ड द पावर चला जाए यानी जितना पावर उसको दिया गया उससे ज्यादा अगर वो पावर यूज कर ले तो उसका थर्ड पार्टी से क्या लाइबिलिटी क्रिएट होगा उन चीजों के बारे में देखेंगे सो so फर्स्ट इसमें लिखा है फॉर एनी मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस सो so, प्रॉस्पेक्टस एक बुक है जब कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है शेयर्स परचेस करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए तो उस केस में वो प्रॉस्पेक्टस इशू करती है प्रॉस्पेक्टस रीड करने के बाद इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो उस केस में जब भी वो प्रॉस्पेक्टस इशू करेगा तो उसके अंदर अगर कोई मिस स्टेटमेंट हुआ और मिस स्टेटमेंट होने की वजह से अगर किसी का लॉस होता है थर्ड पार्टी का तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो डायरेक्टर की बनेगी डायरेक्टर उसके लिए पर्सनली लाइबल होगा नेक्स्ट लाइबिलिटी है फॉर फेलियर टू रीपे मनी ऑन नॉन रिसिप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन सो बहुत सारी कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहां पर एक कंडीशन होती है कि जब शेयर को इशू किया जाए तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव होना चाहिए अगर किसी कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसिव नहीं होता तो उस केस में जो फंड हमने कलेक्ट किया पब्लिक से एप्लीकेशन के नाम पर वो एप्लीकेशन मनी आपको रिफंड करनी होती है तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि कंपनी शेयर्स इशू कर रही है और शेयर्स इशू के टाइम पे कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नहीं हुआ तो जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नहीं हुआ तो उस केस में कंपनी क्या करेगी सामने वालों से जो पैसा कलेक्ट किया एप्लीकेशन मनी के नाम पर वो एप्लीकेशन मनी रिटर्न करना पड़ेगा अगर एप्लीकेशन मनी टाइम पे रिटर्न नहीं होती तो डायरेक्टर पर्सनली लायबल होगा थर्ड पार्टी को यानी थर्ड पार्टी जो है क्लेम कर सकती है अपना डैमेज या कंपनसेशन कि किससे क्लेम करेगी डायरेक्टर से तो उस केस में डायरेक्टर की लाइबिलिटी होगी कि वो उस क्लेम को को पे करे, को पे करे करे कंपनसेशन नेक्स्ट पॉइंट है फेलियर टू एप्लीकेशन मनी अगर एप्लीकेशन मनी किसी से रिसीव हुआ और उसको शेयर्स हमने अलॉट नहीं किया यानी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि पब्लिक जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन भरती है और उसके साथ में एप्लीकेशन मनी जमा कराती है जब एप्लीकेशन मनी कंपनी में जमा होगा तो एप्लीकेशन मनी जमा होने के बाद हमारी कंपनी उसको शेयर्स देती है या नहीं देती है उसके लिए देखा जाता है कि कंपनी में ओवर सब्सक्रिप्शन का केस तो नहीं है अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा तो हमारे पास शेयर्स कम है और खरीदने वाले ज्यादा आ गए तो उस केस में ऐसा होगा कि बहुत सारे शेयर होल्डर को हम शेयर नहीं दे पाएंगे तो बहुत सारे एप्लीकेंट को जब शेयर्स नहीं दे पाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि हमें सामने वाले का पैसा रिफंड करना पड़ेगा अगर इन केस हम सामने वाले का एप्लीकेशन मनी रिटर्न नहीं करते हैं तो उस केस में डायरेक्टर पर्सनली लाइबल होगा कि वो थर्ड पार्टी को कंपनसेट करे तो अगर एप्लीकेशन मनी टाइम पे रिटर्न ना करे या फेलियर हो जाए प्रीपे करने में तो उस केस में डायरेक्टर जो है वो थर्ड पार्टी के लिए पर्सनली लाइबल माना जाएगा फॉर एक्टिंग बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी सो so, बहुत सारे पावर्स जो है वो डायरेक्टर्स को दिए गए बट अगर डायरेक्टर अपने पावर के बियॉन्ड जाकर कोई एक्ट करे तो वो पर्सनली लाइबल होगा थर्ड पार्टी के सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बहुत सारे रूल्स रूल्स दिए गए वो के हिसाब से ही डायरेक्टर्स अपने काम करेगा बट कभी कभी ऐसा होगा कि डायरेक्टर अगर अपने एक्ट के बिहाफ ये जो पावर्स को दिए उस एक्ट के बिहाफ अगर जाके काम करें या रूल्स के बियॉन्ड जाके काम करें तो उस केस में अगर कुछ कंपनसेशन बनता है या किसी तरह का लॉस होता है डैमेजेस होता है

होती है तो हो मतलब बहुत सारी लाइब्रिटीज दी गई है बट इन केस वाइंड अप के टाइम पे अगर कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए तो उसके लिए डायरेक्टर पर्सनली लाइबल होगा डायरेक्टर ही थर्ड पार्टी को उसका कंपनसेशन पे करेगा सो ये पॉइंट्स हैं सारे के सारे लाइब्रिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी के नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसी लाइब्रिटी होगी जिसको हम क्रिमिनल लाइब्रेटी कहते हैं तो सी पार्ट में देखना है क्रिमिनल लाइब्रिटी ऑफ डायरेक्टर्स सो क्रिमिनल डायरेक्टर्सिटी ऑफ डायरेक्टर्स में ऐसा होगा कि अगर क्रिमिनल लाइब्रेटी क्रिएट होती है तो उस केस में डायरेक्टर्स को फाइन पे करना पड़ेगा और फाइन के साथ साथ उसको इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल भी हो सकती है और बोथ दोनों भी यानी जेल भी और फाइन भी पे करना पड़ सकता है तो क्रिमिनल लाइब्रेटी में हम बात करेंगे सबसे पहले फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टर्स अगर प्रोस्पेक्टस में किसी तरह का मिस स्टेटमेंट किया गया यानी पब्लिक को जब इनवाइट किया जाता है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो उस टाइम पे प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है जिसकी बेसिस पे इन्वेस्टर डिसाइड कर सके कि आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है तो उस केस में अगर प्रोस्पेक्टस में किसी तरह का मिस स्टेटमेंट हुआ है तो वो डायरेक्टर्स के लिए क्रिमिनल लाइबिलिटी क्रिएट कर देता है यानी कि उस केस में डायरेक्टर क्रिमिनल लाइबिलिटी मानी जाएगी और उस केस में डायरेक्टर्स को या तो फाइन या फिर जेल हो सकती है

आपके डिचर का या फिर शेयर्स का, सो उस केस में डायरेक्टर जो है पर्सनली क्रिमिनल लायबिलिटी मानी जाएगी यानी डायरेक्टर्स को अपने पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर आर के पास ऑफ कंपनी के पास वो फाइल करना पड़ेगा नेक्स्ट लायबिलिटी है फेलियर टू गिव द नोटिस टू रजिस्ट्रार फॉर कन्वर्शन ऑफ शेयर इन स्टॉक सो कभी कभी ऐसा होता है कंपनी के अंदर कि कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करती है या फिर स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करती है बट जब भी कंपनी शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करे तो उसकी इंटीमेशन जो है इंफॉर्मेशन जो है आपको आर के पास फाइल करनी पड़ती है और उसके बाद ही आप शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हो स्टॉक में बट बहुत सारी कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है कि वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो पाती यानी कि हम लोग आर को इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं तो जब आर को इन्फॉर्म नहीं किया गया कन्वर्शन के बारे में तो उस केस में भी जो लाइबिलिटी है वो डायरेक्टर्स की बनेगी तो क्योंकि डायरेक्टर्स को पावर दिया गया है कन्वर्ट करने का तो अगर डायरेक्टर्स उसको फुलफिल नहीं कर पाता तो डायरेक्टर जो है वो पर्सनली क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए माना जाएगा फेलियर टू इशू शेयर सर्टिफिकेट एंड डिबेंचर सर्टिफिकेट तो डिबेंचर सर्टिफिकेट एंड शेयर सर्टिफिकेट की बात करें तो कंपनी जब भी जो है शेयर्स अलॉट करती है तो शेयर्स अलॉट करने के विथ इन नाइनटी डेज या फिर थ्री मंथ हम कह सकते हैं उसके अंदर अंदर जो है उसका शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है तो जब कंपनी डिबेंचर या शेयर इशू करेगी तो उसका सर्टिफिकेट जो है अगर पर्टिकुलर टाइम के अंदर सामने वाले को नहीं पहुंचता सो उस केस में डायरेक्टर जो है वो पर्सनली क्रिमिनल लाइब्रिटी मानी जाएगी और डायरेक्टर को पर्टिकुलर टाइम में वो जो शेयर सर्टिफिकेट है वो सेंड करना पड़ेगा तो अगर डायरेक्टर पर्टिकुलर टाइम में सर्टिफिकेट नहीं सेंड कर पाता तो उस केस में वो क्रिमिनल लाइब्रिटी में माना जाएगा नेक्स्ट है फेलियर टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर सो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन में जो रजिस्टर है मेंबर्स का उसको प्रिपेयर किया जाता है और उसके साथ साथ जो रजिस्टर है डिबेंचर होल्डर का उसको प्रिपेयर किया जाता है सो फेलियर टू मेंटेन रजिस्टर में हम बात करेंगे कि कंपनी का जो डायरेक्टर्स है वो बेसिकली कंपनी को प्रॉपरली मैनेज करता है कंपनी को मैनेज करने के लिए जो हमारे शेयर होल्डर यानी मेंबर्स हैं और जो डिबेंचर होल्डर है उनका रजिस्टर मेंटेन किया जाता है कि हमारी कंपनी के कौन कौन मेंबर्स हैं उनका पर्टिकुलर उस रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है उसके साथ साथ हमारी कंपनी में कितने डिबेंचर होल्डर हैं उनके नाम क्या एड्रेस क्या ऑक्यूपेशन क्या है ये सारा का सारा रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में मेंटेन किया जाता है तो अगर ये डिबेंचर होल्डर या फिर शेयर होल्डर का रजिस्टर मेंटेन नहीं होता तो उस केस में

तो उस केस में डायरेक्टर लाइबल होगा तो हर हर साल जो है कंपनी के शेयर होल्डर की एक मीटिंग रखी जाती है जिसको हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं अगर डायरेक्टर किसी वजह से मीटिंग नहीं रख पाया तो उस केस में क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो डायरेक्टर्स पे क्रिएट होगी उसके साथ साथ अगर वो एनुअल अकाउंट्स या फिर बैलेंस शीट उस मीटिंग में नहीं दे यानी या अगर ऐसा ज्यूम करें कि कंपनी में किसी वजह से मीटिंग नहीं रखी गई तो फिर वो लाइबल होगा बट अगर मीटिंग रखी गई और उस मीटिंग में वो एनुअल यानी पूरे साल भर का एनुअल अकाउंट एनुअल रिपोर्ट और बैलेंस शीट नहीं दे पाया तो उस केस में भी उस पर लाइबिलिटी क्रिएट होगी बैलेंस शीट में कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन दिखाई जाएगी कि कंपनी की आज के वक्त में फाइनेंशियल पोजिशन क्या है बट अगर वो बैलेंस शीट को प्रिपेयर नहीं कर पाया या फिर उस मीटिंग में सबमिट नहीं कर पाया तो उस केस में डायरेक्टर्स की क्रिमिनल लाइबिलिटी क्रिएट होगी लास्ट पॉइंट है फॉर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर So, तो होल्ड तो हो कर सकते हो अगर वो फिफ्टीन कंपनीज से ज्यादा कंपनी का ऑफिस होल्ड करेगा तो उस केस में उस पर क्रिमिनल लाइबिलिटी क्रिएट होगी यानी वो उससे ज्यादा ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता सो so, फ्रेंड्स आज हमने देखा कि हमारी कंपनी में किस किस तरह की लाइबिलिटी जो है वो डायरेक्टर्स पे क्रिएट होती है थैंक यू फ्रेंड्स